गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास ऑफ हिंदी रीडर। हिंदी रीडर में अपन टॉपिक पढ़ेंगे आज वर्णमाला। वर्णमाला को आप पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि वर्णमाला क्या होती है, कितने क्या स्वर होते हैं, क्या व्यंजन होते हैं। बट आप फर्स्ट क्लास में भी मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि वर्णमाला क्या होती है, स्वर और व्यंजन क्या होते हैं। फर्स्ट है अपना स्वर। क्या होते हैं स्वर? अ आ ई ई उ ऊ री ए आए, ओ, आओ, अं, आ, ये सारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं। इन्हें बोलने के लिए किसी दूसरी ध्वनि की जरूरत नहीं पड़ती है। सेकेंड है व्यंजन। क्या होता है व्यंजन? क, कैसे, गए, यानी कि सारे क्या कहलाते हैं? ये व्यंजन कहलाते हैं। और अ से अंत तक क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। व्यंजन देखो, क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ण, त, थ, द, ध, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, भ, श, श, स, भ, शत्र, ज्ञ। ये सारे क्या हैं? व्यंजन है। इन्हें बोलने के लिए किसी दूसरे स्वरों की जरूरत पड़ती है, बट स्वरों को किसी दूसरी ध्वनि की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपकी ये क्या थी? वर्णमाला। वर्णमाला में ये सारे स्वर और व्यंजन थे जिनका मैंने आज आपको ज्ञान कराया। अगला अपन टॉपिक नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो आज अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया है स्वर और व्यंजन। ओके, धन्यवाद।